नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर देहात के सीआईए स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 नशा तस्करों को किया काबू। 8,50,000 रुपयों की ड्रग मनी, 160 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्तौल, 1 कार, 4 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के कत्थू नगर में बर्गर का ऑर्डर लेट होने पर चलाई गोली के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया काबू। 1 पिस्तौल, मैगजीन, जिंदा रौंद किए बरामद। अमृतसर के छेरटा में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ गुंडागर्दी का नंगा नाच। तेजधार हथियारों व पिस्तौल से लैस लोगों ने दूसरे पक्ष पर किया खूनी हमला। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर देहात सीआईए स्टाफ की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक गुप्त सूचना के आधार पर 5 नौजवानों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात चरणजीत सिंह सोहल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 8,50,000 रुपयों की ड्रग मनी, 160 ग्राम हेरोइन, 2.30 बोर के पिस्तौल, 1 कार, 1 कंडा, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में पहले भी कई मामले दर्ज हैं और ये अमृतसर के आसपास के इलाकों में नशा व हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि इनके पाकिस्तान स्मगलरों के साथ भी संबंध हैं। ये लोग वहां से हेरोइन की खेप मंगवाकर आगे पंजाब में सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज दी जड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमृतसर देहाती पुलिस वालों। एक ऑपरेशन जिहड़ा साडा सक्सैसफुल होया जिहदे विच 2 पिस्टल, 160 ग्राम दे करीबन हैरोइन, 4 मोबाइल, 1 गड्डी ते इस दे नाल ही मोटरसाइकिल ते 8,50,000 दे करीब जो है ड्रग मनी सने 5 नशा तस्कर जो ने उन्हां दी गिरफ्तारी उस दे मुतल्लक कीती जा रही है। साडा इह ऑपरेशन जिहड़ा है एक साडा सीक्रेट जिहड़ा है इनफॉर्मेशन दे आधार ते होया, गुप्त सूचना दे आधार ते जो सानू इनफॉर्मेशन मिली सी उस दे तहत जिहड़ा है सुखचैन सिंह पुत्र रतन सिंह ये पिंड दाऊके दा वसनीक है। इस दे खिलाफ़ पहला भी 2 परचे दर्ज ने। एक परचा सराय अमानत खां ज़िला तरन तारण उत्थे दर्ज है। इस तो अलावा एक परचा NCB वालों भी इस ते दर्ज है। ये अपने साथी सुखपाल सिंह पुत्र चरणजीत सिंह ते नवदीप सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जो कि इहदे नाल पिंड दाऊके दे वसनीक ने उन्हां दे नाल ते अपने 2 होर साथी राहुल और फरिंकू ते सुखबीर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह ये दोनों फिरोजपुर दे वसनीक ने। इहनां दे नाल जो है यह समगलिंग दा यह काम करदा सी। सुखचैन सिंह जिहड़ा है मेन किंग पिन है, यह पाकिस्तान दे समगलरां दे नाल संबंध रखता है। तो पहला भी जिवें दस्या गया कि इस दे खिलाफ 2 परचे पहले भी दर्ज होए ने। इस तरीके नाल जिहड़ा है राहुल जो कि फिरोजपुर उत्थे दा वसनीक है, थाणा कैंट फिरोजपुर च इहदे खिलाफ एक NDPS दा परचा है। इस तरीके नाल सुखबीर दे खिलाफ़ जो है एक 302 दा मुकदमा थाणा कुलगड़ी यह रजिस्टर होया। अमृतसर के कत्थू नंगल टोल प्लाजा के नज़दीक एक नामी रेस्टोरेंट पर गोली चलाने का मामला सामने आया था, जहां एक ग्राहक द्वारा बर्गर ऑर्डर किया गया था और जब बर्गर का ऑर्डर नहीं पहुंचा तो रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक नौजवान द्वारा ग्राहक के साथ बहसबाजी शुरू कर दी गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौजवान ने ग्राहक के ऊपर गोली चला दी, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल नौजवान को अमृतसर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तो वहीं इस मामले पर थाना कत्थू नंगल की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कमलजीत सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर दिया है। इस मौके पर DSP मजीठा जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि एक रेस्टोरेंट में सुरजीत सिंह बर्गर खाने गया था और जब बर्गर का ऑर्डर देने के बाद काफ़ी देर तक उसे बर्गर नहीं मिला तो उसने
काम करने वाले नौजवान से बात की, जिसके बाद उक्त नौजवान उसके साथ बदसलूकी करने लगा, जिसके बाद रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौजवान ने सुरजीत सिंह पर गोली चला दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी को काबू कर लिया गया है और उसके पास से एक 32 बोर का पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा मौत भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 7 तरीक की रात में कोई 10 बजे के करीब उठे KFC होटलिया कप्पू नंबर छाने च पैंदा टोल प्लाजे तो पिक 10 को उठे। अपना एक हेल्पर लगा गुरशरत सिंह ते एक उठे सरजीत सिंह उठे मैनेजर ही। सरजीत सिंह ने कोई ऑर्डर किया ही, वो ऑर्डर दे विच डिले हो रही ही। उन्हें अपना लड़के नु घूरिया, लड़के ने आपके फादर नु कमलजीत सिंह बुला लिया। कमलजीत सिंह जो अपना सबका फौजी आ उत्थे इन्हों की तूतू मैम होने तो बाद उन्हें कमलजीत सिंह ने जो एक जो फैर जो सुरजीत सिंह मेजर के फैर मार भी जो उत्थे चलिया एक फैर या कोई चार फैर वाली कोई गल नहीं। दोषी ने ही जो एफ आई आर दर्ज करके दोषी ने ही 10 घंटे गिरफ्त कर लिया ही अपना असला बराबर कर लिया। सर ये जी गल कही जा रही है कि कस्टमर तो वो होया झगड़ा वो डिटेल नहीं, ये जो कस्टमर के झगड़ा नहीं होया ये आपस जो गुरशरत सिंह भी हेल्परी उ सुरजीत सिंह मिले जी। सुरजीत सिंह ने ऑर्डर दिता है कि गुरशरत सिंह ने अपने फादर को उत्तर बुलाया है भी अपना मैनू हटाने लगे आ। उस तो बाद उन्हें अपना उत्तर आ के दू तो मैं होने तो बाद कमलजीत सिंह फौजी ने जोड़ा इतने फैर किया जो फैर ही सुरजीत सिंह मैनेजर ने रखे वो सुरजीत के बयान से जोड़ा परचा दर्ज करके कमलजीत सिंह के विरुद्ध तो कमलजीत सिंह ने गिरफ्तार कर लिया तो ना ही वैपन गिरफ्तार गोली चली है वो अंदर चली या बाहर चली है? वो जिथे उन्होंने अपना अंदरले पासे अपना काउंटर के कोले जिथे वो सुरजीत सिंह दे पैसे कवर KFC दे अंदर चली है ना? हाँ जी। तो सर फिर उस समय तो अंदर कस्टमर भी उनके फिर भाग दौड़ उत्थे हुई उदी CCTV सानू मिल सकदी? नहीं उत्थे कोई कस्टमर नहीं हैगे, वो आपस विच ठीक है। कोई फायर मिस नहीं होया? नहीं एक ही फायर चली, एक ही फायर और कोई फायर। अमृतसर के ऐतिहासिक नगर छहरटा में दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। इस दौरान गाड़ियों की पार्किंग को लेकर अस्पताल और गाड़ियां बेचने वालों के बीच हिंसा की झड़प हो गई। इस दौरान अस्पताल वालों ने 3000 हथियारों से लैस होकर गाड़ियां बेचने वाले लार्ड मोटर के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। तो वहीं इस सारी घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3000 हथियारों और पिस्तौल से लैस लोग किस तरह गुंडागर्दी का नंगा नाच कर रहे हैं। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा काम है गड्डियां सेल परचेज का, लार्ड मोटर के नाम से मेरी दुकान है इतने छियाड़े GT रोड हनुमान मंदिर सामने। तो साड़ी आ गड्डिया सड़क पर लगिया वा, अं गड्डिया का व्यापार करते हैं, पर आ लागे रहमत होस्पिटल हैगा वा, तो गिल डॉक्टर का नाम हैगा वा, उन्होंने आ के असी जदों भी नहीं होंगे आ मुंडा साड़ी दुकान से छोटा लगा वा, अं जदों नहीं होंगे तो ज आ के उन्होंने मुंडे नूं कहिंदा वा भी मैं तेरे गोली मार देनी गड्डिया साइड तो हटा ला। मोस्टली की हुंदा वा भी वो सानू कहिंदे आ, सानू पता वा भी आंढ गुआंढ थोड़ी प्रॉब्लम हैगी, पर अं सारे नाल कोऑपरेट करते हैं भी भाजी कर देंगे इस तरह कर देंगे। तो मुंडा अज लेट आया, उन्हें कीतियां नहीं, आ के फिर उन्हें धमकी लाई भी मैं पिस्तौल मार देनी तेरे गोली मार देनी है तो गड्डिया साइड से कर लो। फिर आ गया अपना उन्हें करिंदा भेजा वर्कर, उन्हें आ गए आ शटर आपे ही थले बंद करता, मतलब कि वो बदमाशी करन दिया है पूरी के। बाद च मोदवार रमन कुमार रम्मी साडे कौंसलर साहब है इतों के, तो वह आए वह आ गए गल करन दे, गल साडी खत्म हो गई। उन्होंने कहा भी गड्डियां चुक लो, अं गड्डियां उतों चुक लिया अपनिया। फिर आ गए उन्होंने अपने बंदे सदे 20-25 जाने से, कोई उन्होंने मेरे हिसाब से व्यापार हैगा, कोई शराब के ठेके टूके आ, दो कैंपर स्कॉर्पियो के क्रिस्टा आई सी, हथियार लैके आए हो पिस्टल हाथ फड़े ही, कर कृपाना गंडासे सब फड़े होया जी उन्होंने। तो साडा मुंडा छोटा इनू कुटिया भी आ, डॉक्टर ने आप कुटिया इनू, तो फिर ये जान छड़ा के भजया। CCTV च सारा कुछ रिकॉर्ड हैगा वा, उस तरह भी कैमरे च रिकॉर्ड आ, शटर बंद कर दी भी वीडियो हैगी आ। तो ये गुंडागर्दी अं नहीं चलन देनी, पुलिस नूं आपां दरखास्त दित्ती हुई आ, जो बनती कार्रवाई सख्त तो सख्त इन्हां ते कीती जावे।
अज रहमत अस्पताल छियाटा ते लाड मोटर वाले दा आस विच गड्डियां लाउण तों झगड़ा होया जी। इन्हां दोनां दा जिहड़ा झगड़ा होया 2 बजे दे करीब होया जी, जिहदे विच दोनां ही धिरां ने दरखास्तां दित्तियां। हाँ जी, ते इह हुण इहदे संबंधी जिहड़ी वेरीफाई अहीं कर रहे हां, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਗਏ, ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ? नहीं, तस्दीक करके कार्रवाई करांगे। जालंधर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन एक बार फिर सवालों की घेरे में है। ताजा घटना में रात्रि अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक वकील के घर के बाहर गोलियां चला दी। राहत की बात ये रही कि इस हमले में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन वकील के घर के गेट पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं घटना के बाद कई वकील पीड़ित वकील के घर पहुंचे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक वकील ने कहा कि वे इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और तब तक यहां रहेंगे जब तक पुलिस मामला दर्ज नहीं करती। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी दी है और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। वहीं कांग्रेस के शहरी प्रधान राजेंद्र बेरी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि एडवोकेट गुरमोहन सिंह के घर पर 2 गोलियां चली हैं और गेट पर इसके निशान भी मौजूद हैं। गुरमोहन एक केस की पैरवी कर रहे थे जिस कारण उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। उन्हें पता लगा भी गुरमोहन सिंह वरी जिहड़े एडवोकेट ने उन्होंने घर फायर होया, 2 निशान भी नज़र आ रहे हैं उन्होंने गेट के उपर, और यही पता लगा कि किसी का केस लड़ रहे थे। और दूजे पास उन्होंने पहला भी इन्होंने धमकी भेजी भी तुम इस केस न ना डील करो, ना लड़ो, पर यह एडवोकेट इन्हों का पेशा है और अज उन्होंने शरेआम आ के इतने गोलियां भी चलाई। जालंधर में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। ताज़ा मामला घास मंडी इलाके का है जहां देर रात चोरों ने एक शिव मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में रखे 4 दानपात्रों से नकदी चुराई और फरार हो गई। घटना का पूरा दृश्य मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर नीली शर्ट पहने हुए है और उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। वह रस्सी के सहारे मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास पहुंचता है जबकि उसका दूसरा साथी बाहर निगरानी कर रहा होता है। दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं जिससे उनकी योजना का पता चलता है। वही घटना की सूचना मिलते ही मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा ने पुलिस को जानकारी दी। पुजारी ने बताया कि ये चोरी रात के लगभग 12 बजे हुई। चोर बेहद शातिर थे, उन्होंने पहले मंदिर के चारों दरवाजों को बाहर से चिटकनी लगाकर बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके, जिसके बाद उन्होंने बेड की चादरों का इस्तेमाल करते हुए तिजोरियों को ऊपर खींचा और उनमें से नकदी निकाल दी। चोरों ने बड़ी सफाई से मंदिर की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया और फरार हो गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर इतने चोर की वारदात को इल्जाम दिया गया है, यह चोरी लगभग रात के 12 बजे की गई है और एक चोर 20 फुट थले उतरिया, रस्से ना नीचे उतरिया और नीचे उतर के उसने पहला सारे मंदिर जो उधर उन्होंने कुंडियां लाइया, अंदरों कुंडियां ला के चादर बेड की चादर ना गोलक उपर खिंची गई ने थले। सर ये रस्सा पाया इतों ही, इतों रस्सा पा के नीचे उतरे ने। कोई सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ जी सर, एक बंदा नीचे उतरिया वो है वीडियो, पुलिस ने 5 नंबर चौंकी कंप्लेट की हुई है। पुलिस भी आई थी पर पुलिस उत्तों यह कह रही है कि तुम पहचानो, दसो कौन है, उन्हें थोड़ी पहचाना कौन है, सानू पता हो तो अभी आप फड़ लीए, असं उन्होंने थोड़ी कहेंगे तुम फड़ो। मैडम जो देखे जाए थोड़ी दूर से पुलिस का नाका भी लगता है। सर नाका लगता सामने पेट्रोल पंप है, इतने उन्होंने गड्डी खड़ी रहती है, 12 बजे का टाइम है, कितना का टाइम है, रोड चलता है, फिर भी देखो एड्डी बड़ी वारदात हो गई है। मगर पुलिस तो बड़े बड़े दावे कर रही है जो चोर है उन्होंने फड़ के सलाखा के पिछे सिर दे पे। सर तुहाडे सामने है जी मॉडल हाउस चोरी हुई थी, अज तक कोई नामो निशान नहीं, उत्थे भी इस तरह ही वारदात हुई थी, अज इत्थे हो गई है, कल कितने होर हो जाएगी। असीं यह कहांगे कि देखो जिन्ना नुकसान होया उपर भरपाई करा, चोरों को फड़िया जाए। ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ?
ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲੇ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡੇਢ ਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ खाड़ी देशों में मसीहा के तौर पर जाने जाते दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी और सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट के सरपरस्त डॉक्टर एस वी सिंह बोबराई के प्रयासों से सीमावर्ती क्षेत्र अचनाला के अधीन गांव मंदू छांगा के 29 वर्षीय विक्रमजीत सिंह की मृतक देह दुबई से श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा विशेष तौर पर भेजे गए मार्केट कमेटी अचनाला के चेयरमैन बलदीप सिंह बब्बू चेतनपुरा के अलावा सरबत का भला ट्रस्ट के पंजाब प्रधान सुखजिंदर सिंह हेयर मनप्रीत सिंह संधु परमिंदर सिंह संधु और परिवार के सदस्यों ने मृतक देह को प्राप्त किया। इस मौके पर मनप्रीत सिंह संधु ने बताया कि विक्रमजीत सिंह भी दूसरे नौजवानों की तरह कुछ समय पहले ही कर्जा लेकर अपने बेहतर भविष्य के सपने को लेकर दुबई गया था, जिसकी गत 1 अगस्त को अचानक मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस दुखदायी घटना संबंधी उन्हें ट्रस्ट की अमृतसर टीम के माध्यम से जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस केस की पैरवी करते हुए पता लगाया कि विक्रमजीत सिंह के काम वाली कंपनी उसकी मृतक देह को भारत भेजने से इनकार कर रही थी, जिस पर उन्होंने भारतीय दूतावास की मदद से सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण करवाकर उसकी कंपनी के खर्च पर विक्रमजीत सिंह की मृतक देह को भारत में उनके वारिसों तक पहुंचाया। इस अवसर पर मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने डॉक्टर एस पी सिंह ओबराय का आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੱਦੂ ਛਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਬੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਪਾ ਕੇ 371 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਛਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡੈੱਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੁਰਜੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੇਰ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਅਬਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ ਪੀ ਅਬਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ।
चढ़ती कला ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान भूपेंद्र किंग की अध्यक्षता में राज नगर बस्ती बाबा खेल स्थित आर्य समाज मंदिर में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 200 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। तो वहीं इस आयोजन में जलंधर वेस्ट के विधायक महेंद्र भगत ने विशेष रूप से शिरकत की और मरीजों एवं डॉक्टरों से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय प्रधान भूपेंद्र किंग ने सभी मेहमानों, डॉक्टरों और मरीजों का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज में इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस कैंप का संपूर्ण प्रबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की सुप्रिया शर्मा को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कैंप को सफल बनाया। वहीं विधायक महेंद्र भगत ने कहा कि हमें इस तरह के सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने कैंप में उपस्थित मरीजों की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों से बातचीत भी की। इस आयोजन में महिला विंग की जिला टीम से कुमकुम सिंह भी शामिल रही और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वुमेन राइट्स फंड जो आज मेडिकल कैंप लगाया गया है आर्य समाज बस्ती बाबा सर के नेशनल फेडरेशन साढ़े भैन जी लक्ष्मी शर्मा जी, प्रभा शर्मा और मेरे विजय सिंह जी और मेरे खास के दोबारा माइंड में जाने ऐसे पहले और सारे जी करती कला वुमेन राइट्स वेलफेयर डे मैंबर साहबान और खास करके इस इलाके के काउंसलर सुधा देव जी और उनके नाल उनके पति और बहुत ही मेरे छोटे जी कार्यो मनीष जी जी मनीष फिंगरा जी और इस आर्य समाज के प्रधान जोगिंदर पाल जी नाल विदेश भगत जी ओम प्रकाश जी और जिन्हें मैं देख रहे हैं आर्य समाज की टीम साढ़े फैक्ट्री साहब रामलीला के शहरा के ग्राउंड के और मेडिकल की बहुत लोड़ होती है और अजकल मेडिकल जो है बहुत महंगा हो गया प्राइवेट हस्पतालों के बच्चे सो इस करके जो लोग इलाज नहीं करा सकते प्राइवेट हस्पतालों में तुम्हें ये चढ़ती कला वेलफेयर जो उपराला किया है बहुत ही शलाघा योग है। सो मैं तुम सारी टीम इस गल की मुबारकबाद दिता हाँ नाल बेनती भी करा कि कृपा करके तुम इस इलाके के बहुत अच्छा खूबसूरत स्थान बनया आर्य समाज सारिया की इतने तुम्हें एक हाल मिलया है बरसात होए अभी तक कोई समस्या नहीं आएगी तो इस करके इस जगह का फायदा उठाया जाए और तकरीबन 2-3 महीने बाद कैंप तुम्हें लगाते रहो ये बड़ा वाला भैन शर्मा जी उन्होंने काम है। सो बेनती भी करा जिन्हें लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं वो तो वह इतने लोग आ के अपना इलाज और दवाई लै सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व को लेकर संगतों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु नानक देव जी की बारात लेकर निकली संगत का छंडियाला गुरु के नज़दीक ब्यास दरिया पुल के रास्ते अमृतसर जिला में दाखिल होने पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं SSP अमृतसर देहात चरणजीत सिंह की अगुवाई में पंजाब पुलिस की टुकड़ियों द्वारा बाबा नानक जी की बारात लेकर जा रही पालकी साहिब को गार्ड ऑफ ऑनर भेंट किया गया। इस दौरान बातचीत करते हुए DSP बाबा बकाला साहिब सुविंदर पाल सिंह ने कहा कि अमृतसर की पवित्र भूमि पर दाखिल होने के समय हाईटेक पुलिस नाका ब्यास पर पुलिस टीमों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की बारात का भव्य स्वागत किया गया है और अब बटाला चला की हद तक पायलट लगाकर अमृतसर देहात पुलिस बाबा जी की बारात की सुरक्षा में तैनात रहेगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ब्यास अमृतसर की पवित्र धरती से श्री गुरु नानक देव जी की आई हुई बारात का मैं प्रशासन वालों नाका ब्यास हार्दिक स्वागत करदा। मैं सारिया संगतों को श्री गुरु नानक देव जी के इस बरात उत्सव दिया बधाइया दिना और अपने जिले में आने जी आखदा वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। इतने जिमें ही गुरु साहब की बरात पहुँची पुलिस प्रशासन ने सलामी दे के अपना फर्ज अदा किया
और हार्दिक स्वागत किया कि साढ़े जिले में गुरु जी की बरात आई है। कितों तक पंजाब पुलिस जी गुरु साहब लैके जितों तक साडा अमृतसर जिले की हद है असी गुरु साहब की बरात के नाल नाल जावांगे और पूरी सुरक्षा देवांगे। हर साल हर साल इस तरह होंदा, इस साल भी पूरे उत्साह दे नाल गुरु जी की बरात नूं स्वागत किया गया। 30 अगस्त को जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे उसी को लेकर अकाली दल सरकार में मंत्री रह चुके सोहन सिंह टंडल श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर जत्थेदार साहिब को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सोहन सिंह टंडल ने कहा कि जत्थेदार अकाल तख्त साहिब का जो आदेश हुआ था उसी आदेश को भी उसे प्रवान कर अकाल तख्त साहिब पर एक निमानी सिख के तौर पर नम्रता सहित नतमस्तक हुई हूँ और अरदास की विनती की है कि अगर उनसे कोई भूल हुई है तो वाहेगुरु जी उन्हें माफ़ करें। उन्होंने कहा कि जत्थेदार साहिब जो भी उन्हें आदेश देंगे वे उसे पूर्ण रूप से प्रवान करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी यही अरदास है कि काल पुरख पंथ और पंजाब को हमेशा चढ़ती कला में रखें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्राना करता हूं जो हुक्म जहदा साहब सिख साहब का होया मुताबक अज मैं श्री अकाल तख्त साहब के नतमस्तक हो अरदास कि जो पिछले समय के सरकार के होंदया कोई जाने जाने कोई भुल को गलती हुई है बख्शन हारिया उसके वास्ते माफ़ी मंगी है तो मैं पूर्ण आस है कि वाहेगुरु और छेवें श्री अकाल तख्त साहब इस गल माफ़ करने योग और माफ़ करे जो दी की है और जो जहदा साहब का हुक्म होया स्पष्टीकरण जोड़ा है वो देना वो मैं आप निम्रता साहब पेश होकर उन्होंने पी ए साहब जोड़ा वो दे के आया तो बाकी इस तो जो भी फैसला जोड़ा है वो जहदा साहब वालों जाऊगा उ भी इन बिन नमाने सिख वंग पेश होकर पालना करांगे और हमेशा एक पूर्ण जो साडा स्थान है अकाल तख्त साहब इहदा जो भी हुक्म आ पहला भी स्वीकार करते रहे हैं हुण भी उन्हों स्वीकार करांगे। जालंधर के अजीत नगर में श्री गणेश चतुर्थी दिवस के उपलक्ष्य में भगवान गणपति जी की मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र के आचार्य विशाल पराशर ने पारिवारिक सदस्यों से विधिवत पूजा अर्चना करवाकर मूर्ति स्थापना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 दिन तक भगवान गणपति जी की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जाएगी जिसके पश्चात ब्यास दरिया में भगवान गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। इस मौके पर सुमन कपूर, चांद कपूर, काजल कपूर, सुलेखा सक्सेना, नायरा बग्गा, विक्की बग्गा, अंकिता बग्गा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभाम निर्विघ्नम कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश की कृपा से भगवान गणेश हमें क्या प्रदान करते हैं? बल, बुद्धि, विद्या, यशमान, कीर्ति की वृद्धि करने वाले भगवान गणेश है। कपूर परिवार की तरफ से आज घर में नगर निवासी का कल्याण करने के लिए, इस नगर का, इस क्षेत्र का कल्याण करने के लिए भगवान गणेश की पूजा षोडशोपचार से विधिवत शास्त्रोक्त मंत्रों के उच्चारण के साथ में विधि विधान से किया गया। भगवान गणेश का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करवाकर नगर के कल्याण के लिए कामना की गई। ये कपूर परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश इस परिवार को हमेशा बल, बुद्धि, विद्या, यशमान, कीर्ति प्रदान करे। जय माता दी, हर हर। श्री सिद्ध बाबा सोडा जी के 17 सितंबर को आ रहे मेले के उपलक्ष्य में चड्डा बिरादरी की ओर से शहर के गणमान्य लोगों को इस मेले में मंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसी के तहत श्री सिद्ध बाबा सोडा ट्रस्ट एवं चड्डा बिरादरी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब एवं सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर नवजोत दहिया, कांग्रेसी नेता रजिंद्र सिंह को निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सभी ने चड्डा बिरादरी को विश्वास दिलाया कि वे इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर श्री सिद्ध बाबा सोडर जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ट्रस्ट व चड्डा बिरादरी को अपना पूर्ण सहयोग देंगी। इस अवसर पर चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, अतुल चड्डा, संजय चड्डा, विवेक चड्डा सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी
ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੋਢਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਏਵਮ ਰਾਗਾ ਮੋਟਰਸ ਕੇ ਫਾਊਂਡਰ ਔਰ ਓਨਰ ਐਚ ਪੀ ਹਾਂਡਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਮੇਂ ਜਾਵੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਤੁ ਸਤਸੰਗ ਏਵਮ ਅਰਦਾਸ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਜਾਲੰਧਰ ਮੇਂ ਕੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਰਾਗੀ ਜੱਥੋਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਵਰਗੀ ਐਚ ਪੀ ਹਾਂਡਾ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਤੁ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਸਦੱਸਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਮਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਚ ਐਸ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਓ ਪੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਹੂਜਾ ਸੰਯੋਜਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਜਾਗਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਗਮਾ ਮੱਕੜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਕੇ ਸਰੀਨ ਦਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨ ਕੱਕੜ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੱਬੂ ਬਜਾਜ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੇ ਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰੋਵਰ ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਮਹਿੰਦਰੂ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਸੁਨੀਲ ਚੋਪੜਾ ਉਮੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਹੂਜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰੂਥੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਓ ਮੇਂ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਾਂਡਾ ਰਮਨੀਕ ਹਾਂਡਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਹਾਂਡਾ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਰੰਜਨਾ ਚੋਪੜਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਸੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਵਰਗੀ ਐਚ ਪੀ ਹਾਂਡਾ ਕੋ ਭਾਵਿਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਓ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤ ਕੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ 5 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋਂ ਕੋ ਕੀਆ ਕਾਬੂ 8,50,000 ਰੁਪਯੋਂ ਕੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ 2 ਪਿਸਤੌਲ 1 ਕਾਰ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀਆ ਬਰਾਮਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਰ ਮੇਂ ਬਰਗਰ ਕਾ ਆਰਡਰ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਪਰ ਚੜਾਈ ਗੋਰੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਕੀਆ ਕਾਬੂ 1 ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਕੀਏ ਬਰਾਮਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਛੇਰਟਾ ਮੇਂ ਗਾੜੀ ਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋ ਲੇਕਰ ਹੁਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰੋਂ ਵ ਪਿਸਤੌਲ ਸੇ ਲੈਸ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਕਸ਼ ਪਰ ਕੀਆ ਖੂਨੀ ਹਮਲਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਹਲਚਲ।